Now, today's topic is ionization enthalpy. Very important topic now, ionization enthalpy. Ionization enthalpy se kya matlab hai? Ek एटम हम लेते हैं, एटम अलग कब होगा पहले आपको यह जानना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका न्यूक्लियस है और इसमें आउटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल मान लीजिए, ये आउटर शेल है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर शेल पे। एटम अलग होगा दूसरे एटम से व्हेन इट इज इन गैसियस स्टेट, ये याद रख लीजिए। तो गैसियस स्टेट कब आता है एटम का? गैसियस स्टेट जब उसको हीट करेंगे एलिमेंट को, ये गैस बनेगा और एटम अलग हो होता है दूसरे एटम से, गैस में ही ये पॉसिबल होता है, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो पहले हमें गैस कोई भी एलिमेंट लेते हैं, सपोज सोडियम मेटल लेता हूं मैं, इसको पहले आपको हीट करना है, मेल्ट करना है, गैस बनाना है। जब गैस में सोडियम के एटम्स आएंगे ये आइसोलेटेड होंगे, ये अलग होंगे, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, अलग अलग एटम होंगे। तो मुझे चाहिए आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। अब मैंने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लिया यहाँ पर, इसको हम हीट देंगे। इस अगर इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को हम हीट दे देंगे, हम एक एटम नहीं, हम देंगे मोल ऑफ एटम्स। तो मगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एटम पर मैं हीट दे रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जब एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा, आपको पता है इट विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल, ये यहाँ पहुंचेगा। हम इसको देखो, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का एक इफेक्ट होता है, जैसे आपने एक मैग्नेट रखा है तो एक स्पेस होगी इसके अराउंड जहां तक मैग्नेट का एक इन्फ्लुएंस होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ऐसे ही जो न्यूक्लियस का भी इफेक्टिव अट्रैक्शन मान लीजिए यहां तक है इलेक्ट्रॉन, इस एरिया तक है इलेक्ट्रॉन। तो अब हम जब हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल पर, अब जब हम ओवर हीट करेंगे इसको ये ओवर एक्साइट होगा, ये यहां तक पहुंच जाएगा। अब यहां तक पहुंच गया बॉर्डर लाइन पर जब तक कंट्रोल है न्यूक्लियस का, अगर हम इसमें और अब एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर इससे, तो अभी वापस नहीं आ सकता है, ये चला जाएगा। तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को इस एरिया से निकालने के लिए, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकालने के लिए, जो एनर्जी हम दे देंगे उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो आइसोलेटेड गैसियस एटम को देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू रिमूव इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो था इसको रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी निकल देनी पड़ेगी, ये रिमूव होना चाहिए इस एटम से, इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, आईई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, ज्यादा तो दे देंगे तो निकल जाएगा ही, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टू रिमूव, क्या करना है रिमूव हमने, शाबाश, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। किस चीज से निकालना है जरा बताइए, कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे किस चीज से निकालना है इलेक्ट्रॉन? गैसेस, शाबाश, हाँ हाँ बहुत अच्छा कहा आपने, गैसेस एटम से, मगर वो आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, इन एटम से जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड, रिमूव आउट ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आइसोलेटेड गैसेस एटम। बेटा याद रहे, जिससे मिनिमम अमाउंट, कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए हमें रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन,
आइसोलेटेड गैसेस एटम से उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। पहले पहले ना जब हम पढ़ते थे इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाता था, ये भी पता होना चाहिए। ऑल्दो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रीवियसली दिस कंसेप्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम बोलते थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये इसलिए बताया था पोटेंशियल इसको बताया जाता था। हम गैस लेते थे तब एक डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसमें हम जिस गैस से हमने निकालना है तो इसमें हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करते थे क्रिएट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गैस। तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोड्स जिसमें प्रेजेंट इन ए डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग गैस, तो कितना मिनिमम पोटेंशियल चाहिए होता था कि इस इलेक्ट्रॉन से जो इसमें है गैस इसको में से एक आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा आयोनाइज हो जाता है गैस, सपोज सोडियम में से गैस में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं अब ये क्या बनेगा Na प्लस गैस में और इलेक्ट्रॉन बनेगा। इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी चाहिए हमें उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम शाबाश आयोनाइजेशन एंथैल्पी करेक्ट। So what is ionization enthalpy? It is the minimum amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. Previously, this concept was known as ionization potential. It was defined as the minimum potential difference set up across a discharge tube containing gas in order to remove outermost electrons from isolated gaseous atom. Just an idea de diya, वैसे ये learn नहीं, ये आपको ionization enthalpy ही learn कर। अब जिस आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम इसका यूनिट जो है किलो जूल पर मोल, अब एक एटम के लिए हम नहीं देखें वो बहुत छोटा होगा, हम पर मोल एटम्स के लिए देखते हैं कितने किलो जूल एनर्जी हमें चाहिए टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट राइट। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ आया बेटा यहाँ पर इसको। अब इसमें इसी के साथ अभी है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या मतलब है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या मतलब है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालो फिर दूसरा निकालो फिर तीसरा निकालो, इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलेगा राइट। अब ध्यान से सुनो, मैं सपोज एल्यूमिनियम का एटम लेता हूं, इफ आई टेक एल्यूमिनियम एटम, एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर 13 है, पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन है 283, सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम एक एक करके ले लेंगे, मैं ऐसे लेता हूं पहले या नेक्स्ट पेज पर लेता हूं मैं, ये एल्युमिनियम है सपोज एटम न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन है, हम इसको एनर्जी दे देंगे एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाएगा। अब बताइए अब जो इसका स्ट्रक्चर है, अब इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर में, तो ये अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताऊं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना एल्युमिनियम गिव्स, अब एल्युमिनियम प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में जो एनर्जी लगती है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो यहां पर लगती है इसमें, इसको मैं IE1 बोलूंगा, IE1 इसको एनर्जी जो लगती है 477 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब ध्यान से देख लो बेटा, पहले क्या था 13 प्रोटॉन थे, तीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे, अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया अब यही 13 प्रोटॉन दो ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने हैं तो अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब है अब जो अट्रैक्शन होगी ये अब स्ट्रॉन्गर बनेगी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। जो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हमने, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज Al प्लस में से एक और, क्योंकि तीन है ना इसमें, इसमें कंफ्यूजन थी 283, मैंने अभी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका बना 282, दो अभी भी है इसमें आउटर में, तो इसमें अभी दो और निकल सकते हैं, मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं इसमें से। अब बताइए अब क्या बनेगा,
एल में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन या एल प्लस टू बना, करेक्ट। तो आपको पता है, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या कहा था हमने, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और सेकंड को क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। दूसरा इलेक्ट्रॉन अब आपको बताना है, अब जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम एनर्जी लगेगी, ये आप सोच के बताइए। पहले 13 प्रोटॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, अब दो ही को अट्रैक्ट करना है। पहले 13 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते थे 3 इलेक्ट्रॉन को, तो वहां से हमने एक निकाला इलेक्ट्रॉन, फिर दो ही बचे हैं। अब 13 प्रोटॉन बराबर है, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं है, अब दो ही इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेंगे। अब बताओ अट्रैक्शन ज्यादा होगी पहले से या कम होगी? ज्यादा, ज्यादा होगी। तो फिर एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। ये तो पता हो, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो अब आपको पता चला सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है। देखो Ie1477 था, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए थी और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, 1795 किलो जूल पर मोल, राइट। अब एल्युमिनियम सेकंड की अगर कॉन्फ़िगरेशन, एल्युमिनियम 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी इसको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तब स्टेबल बनेगा 10 वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और निकल सकता है, तो अब बनेगा Al3 प्लस, क्योंकि 2-8 बनेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और एक। अब आपको बतानी है यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी ज्यादा या कम लगेगी, जल्दी बोलो। ज़्यादा। यहाँ पर जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की है, आई थर्ड जो है दैट इज 2758 किलो जूल पर मोल, याद रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, सेकंड उससे ज्यादा और थर्ड सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब ये है जो आपको याद रखना है ये चीज, Ie1 सबसे कम होती है, फिर होती है Ie2, फिर होती है Ie3। तो जो अभी हमने पढ़ा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज means amount, minimum amount of energy required to remove different electrons from the outermost shell of an isolated gaseous atom, usko hum kehte hain successive ionization enthalpies. Yaad rakhna hai Ie1 sabse kam, fir Ie2 zyada, fir Ie3 zyada, right. Ye tha ionization enthalpy aur successive ionization enthalpy, right. Ab hai iske baad next mein factors affecting ionization enthalpy. Very important now. Factors affecting ionization enthalpy. कौन कौन सा factor ionization enthalpy को affect करता है, ये बड़ा important है। अब ध्यान से सुनिएगा कौन सा factor, उसमें सबसे पहले atomic radius है। देखो अगर radius छोटा होगा, बताइए कोई एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, जिसको हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। अब बताइए अगर एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है, न्यूक्लियस नजदीक किसको है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, शाबाश, न्यूक्लियस छोटे वाले साइज में अट्रैक्शन फिर ज्यादा होगी ना, बड़े वाले में अट्रैक्शन कम होगी। तो इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, छोटे एटम में। सो स्मॉलर जितना साइज होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, नजदीक होगा, एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो स्मॉलर द साइज, मोर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको याद यह रखना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, राइट। जरा मुझे आज आप बता दो, मैं देखना चाहूंगा, सपोज मैं कह रहा हूं बोरॉन एंड कार्बन अलोंग द पीरियड ऐसे होते हैं, ये 13 ग्रुप में, ये 14 ग्रुप में है। अब आपको बताना है जरा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, पहले आपको, शाबाश, पहले आपको ये देखना है कि साइज छोटा किसका है।
पहले आपको ये याद रखना है अलोंग द पीरियड साइज को होता क्या है जो मैंने कहा था, सो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फिर इन दोनों में से साइज छोटा किसका होगा, कार्बन का, कार्बन की आईई ज्यादा होगी ना बोरान से, राइट। जब मैं आईई की बात करता हूँ ये फर्स्ट आईई होती है ओनली, whenever I write ionization enthalpy आपको याद रखना first I, second I में change भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, right? So first I की बात है when I write I, तो carbon का ज्यादा है। अच्छा मुझे अब एक और example देता हूँ, sodium, potassium और suppose rubidium और cesium और lithium, इनमें आप बता सकते हो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन इजीली लिथियम, सीजियम, ध्यान से सुनिएगा, सबसे कम आयनाइजेशन, मैंने साइज आपने लिथियम का बोला, मैंने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम किसकी होगी, सीजियम, सीजियम की ना बड़ा साइज है ना, समझ आ रहा है ना, ये इनके एटम्स है, इनका साइज है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सीजियम, आई सबसे ज्यादा लिथियम की और सबसे कम सीजियम। अब आप याद आ गया आपको, जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया था वहां पर मैंने कहा था ना सीजियम मेटल पर ही जब सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों निकलता है, याद आ रहा है, तो वो कहा था ना, ये आगे हमें पढ़ना भी है, राइट। सो सीजियम में इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकता, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सनलाइट से इलेक्ट्रॉन किसमें इजीली निकल जाएगा, सीजियम में, राइट, सीजियम में, तभी तो मैंने सीजियम मेटल की एग्जांपल ही दी थी वहां पर, मैंने लिखा था सीजियम मेटल ले लो, इस पर जब सनलाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वैसे तीनों में मैंने कहा था उस टाइम में, इन तीन में होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ लो लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी भी कहा था मैंने एस ब्लॉक में, मैंने क्यों कहा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है आपके अपने पीरियड में, क्योंकि जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो साइज कम होता है, राइट। ये फीचर हमने वहां लिखा भी था, ये था एटॉमिक साइज का। ऐसे न्यूक्लियर चार्ज अगर मैं बताऊं, बताओ जिसकी न्यूक्लियर अगर साइज में खास कोई फर्क नहीं है तो हमें क्या देखना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज, मोर न्यूक्लियर चार्ज, शाबाश, more nuclear charge, more is the attraction for outermost electron and therefore more is ionization. Although nuclear charge atomic size से related है, वो हमने already निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए ionization enthalpy directly proportional to nuclear charge, ज्यादा nuclear charge ज्यादा, although हमें effective nuclear charge से मतलब होना चाहिए, nuclear charge से नहीं, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है इनमें, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान सुनने का, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अब आप बता सकते हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, नोबल गैसेस, क्या और कोई, और भी कुछ बताया था मैंने, स्टेबिलिटी याद कर लो, नोबल गैस तो है ही है स्टेबल, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन वाले तो स्टेबल है ही है, और भी तो कुछ कहा था स्टेबिलिटी, कहा था ना हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, याद कर लो, मैंने कहा था ना अगर P6 है ये भी स्टेबल है, P3 भी स्टेबल है, D10 स्टेबल है, D5 कहा था या नहीं, F14 स्टेबल है, F7 भी स्टेबल है, राइट, कंप्लीटली फिल्ड तो स्टेबल है ही है, लेकिन अगर हाफ फिल्ड है वो भी स्टेबल होता है, याद आ रहा है ना, यस सर, यस सर, शाबाश। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो स्टेबल है, वो क्यों अनस्टेबल बनेगा, सो याद रहे मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मींस मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आपको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज अगर साइज और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्रायोरिटी देनी है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्रायोरिटी देनी है, साइज से ये डोमिनेंट फैक्टर होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कार्बन और नाइट्रोजन लेता हूँ, बताइए नॉर्मली क्या होना चाहिए हमें, शाबाश,
साइज की बात अगर मैं कहूं, ये कार्बन का साइज है, ये नाइट्रोजन का साइज है, बताइए आप किसका ज्यादा होना चाहिए आई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, क्योंकि साइज इसका क्या है, छोटा साइज है, छोटा। लेकिन अब कंफ्यूगरेशन, ये तो साइज के बेस पर हो गया, साइज के बेस पर, अब हम कंफ्यूगरेशन के बेस पर देखेंगे। कार्बन की कंफ्यूगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2 राइट, ये है ना, 2 2 4 5। जरा नाइट्रोजन की कंफ्यूगरेशन बता दीजिए, क्योंकि 6 है कार्बन का डाउन, इसका 1s2 2s2 2p3। अब बताओ 2p3 का मतलब है p तीन होते हैं ना, मैंने कहा था ना तीन ऑर्बिटल एक 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 तीनों में, और यहाँ 2p2 का मतलब क्या है, दो में एक एक, तीसरे में कोई भी नहीं इलेक्ट्रॉन। अब आप बता सकते हो स्टेबल कौन है कॉन्फ़िगरेशन? N शाबाश, नाइट्रोजन। तो एज पर अभी जो मैंने कहा शाबाश, तो मैंने क्या कहा, फिर आई ज्यादा किसकी होगी इस बेस पर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइज की, साइज के बेस पर आई किसकी ज्यादा थी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोनों दोनों दोनों, अगर मान लीजिए अगर ऐसा ऐसी परिस्थिति आती, सपोज मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी लेता हूँ इधर से समझने के लिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साइज और छोटा है नाइट्रोजन से, क्योंकि इसके बाद है। अब बताओ ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। अब आप बता सकते हो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एज पर साइज ज्यादा किसका होगा आई? ऑक्सीजन। एज पर, एज पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन। P4 स्टेबल नहीं है, P3 स्टेबल है। और याद रहे जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है साइज एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? स्टेबल, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फिर किसका ज्यादा आई होगी? नाइट्रोजन। फिर आपको ये समझ आ गया ना कि नाइट्रोजन की आई किससे ज्यादा है, कार्बन से भी और ऑक्सीजन से भी? ऑक्सीजन से भी ज्यादा है और कार्बन से भी ज्यादा, ये एक्सेप्शनल केस हो गया फिर, है ना? यस सर। दोनों साइड से ज्यादा है। अब ये समझ आया दोनों साइड से क्यों ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं टेबल रिलेटेड फॉर्म से सिखाऊंगा, लेकिन ये चीज आपको समझ आना चाहिए। और एक चीज लास्ट फीचर मैंने यहाँ पर है, पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कभी एंट्रेंस में आता है, ये पता होना चाहिए कि एस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, पी से थोड़ा आसान है, डी से इसे भी आसान है, एफ से इसे भी आसान है, शेप की वजह से। एस चूंकि स्फेरिकल है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। पी है डम्बल शेप, थोड़ा दूर होता है, थोड़ा आसान है। डी है डबल डम्बल शेप, थोड़ा दूर ही है। और एफ तो डिफ्यूज शेप है, तो और दूर है। तो इसलिए सबसे इजिली इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? F से। और सबसे डिफिकल्ट कहां से निकलेगा? S से। शाबाश। तो ये चार फैक्टर्स मैंने बता दिए, अब इन्हीं चार फैक्टर्स को हमने यूज करना है, और हम टेबल बना रहा हूं। देखो अब किन एलिमेंट्स का टेबल हम बनाते हैं, जरा याद कर लो, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बिल्कुल सही, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जैसे वो लिखा ना लास्ट टाइम एटॉमिक साइज का लिखा है ना, टेबल बनाया है ना कॉपी पर, आज आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला बनाना है टेबल, बिल्कुल वैसे ही मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बिल्कुल तीन मैंने कहा था, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, और नीचे है पोटेशियम, यहाँ कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन। यहां तक मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, आज भी यही कह रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमें हैं। अगर मैं आज दूसरा भी इसमें इंक्लूड करूं, जस्ट इसके लिए कि आपको समझ आ जाए, फ्लोरीन के बाद यहाँ नियॉन है, ठीक है ना, आर्गन है और क्रिप्टॉन है, इसके ऊपर भी एक है, दैट इज पता है आपको हीलियम, ये मुझे चाहिए इसलिए मैं आज बता रहा हूं, ये भी मैंने ले लिया इसमें। आप बताएंगे आप नॉर्मल, पहले जनरल बताइए, अलोंग द पीरियड क्या होता है वेरिएशन, अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए, क्या होता है साइज को पहले बताओ, नॉर्मल डिक्रीज, तो आई को क्या होना चाहिए जनरल?
इंक्रीज, अभी बताया साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होगा, इंक्रीज। ये हम बता चुके हैं, कोई शक इसमें? आसान है ना। अब बताए डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज को क्या होता है, बढ़ता इंक्रीज, इंक्रीज साइज, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होगा फिर? राइट। अब एक्सेप्शनल, अब अभी बताया मैंने नाइट्रोजन वाला ग्रुप की, बताइए इस वाले ग्रुप की, ग्रुप 15 की बता सकते हो ये एक्सेप्शनल है ना, क्योंकि दोनों ग्रुप ऐसे बनाएंगे दोनों साइड से, 14 ग्रुप से भी इसका ज्यादा है और 16 ग्रुप से भी ज्यादा है, बताइए रीजन क्यों? टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यस, हाफ फिल्ड टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। अच्छा, आप इस पूरे इस टेबल की तरफ देख के बता सकते हो किस ग्रुप की सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सबसे ज्यादा? शाबाश, सबसे स्टेबल कौन से होते हैं? पहले ही कहा था बच्चों ने, नोबल गैसेस। ये है नोबल गैसेस, बिल्कुल सही, जो एंड वाले हैं ना, इनके सबसे ज्यादा लास्ट वाला ग्रुप। बहुत अच्छा, इनमें भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कोई बता सकता है? हीलियम। बहुत अच्छा, तो अगर मैं आज ये कहूं कि पीरियाडिक, पूरे पीरियाडिक टेबल में बताइए वो एलिमेंट जिसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो कौन सा होगा? हीलियम। हीलियम। अच्छा, पूरे पीरियाडिक टेबल में बताइए वो वाला ग्रुप जिसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। 18 नोबल गैसेस, बिल्कुल सही, 18 ग्रुप आपने कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, वो ग्रुप बताइए जो जिसकी सबसे कम होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन ग्रुप, नहीं नहीं वो तो इसमें हो गया ना, पूरे पूरे में बोलना है आपको, पूरे कौन सा ग्रुप है जिसकी सबसे कम है? शाबाश शाबाश शाबाश, ग्रुप नंबर भी बताइए। फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि साइज इनका बड़ा है ना, क्योंकि साइज ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो उसी ऑर्डर में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, उसी ऑर्डर में इंक्रीज होगा। तो लिथियम, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो अगर मैं आज आपको क्वेश्चन ये बताऊं, मुझे बताइए वो एलिमेंट जिसका सबसे, पूरे पीरियड टेबल में वो एलिमेंट बताइए जिसका सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जिसको सबसे कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, वो बताइए। बहुत अच्छा, तो सीजियम सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला एलिमेंट है और हीलियम सबसे ज्यादा। सबसे कम कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप, अल्कली मेटल। और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस ग्रुप में है? अब मुझे अगर आप ये बता, अच्छा सेकंड ग्रुप का भी एक्सेप्शनल है, उसका भी हम देखेंगे। अब जरा सेकंड ग्रुप में कंफ्यूगेशन आप लिखेंगे, जरा बेरिलियम की कंफ्यूगेशन बताइए, चार एटॉमिक नंबर क्या है? 1s2 2s2। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 1s2 2s2। अब क्या ये स्टेबल नहीं है? s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 ही, तो ये दो स्टेबल है, तो ये भी स्टेबल माना जाएगा। अब बताइए एक्सेप्शनल किस किस ग्रुप का है पूरे पीरियड टेबल में, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और यही टेबल, जिसने ये टेबल याद रखा एंट्रेंस में कोई भी क्वेश्चन वो कर सकता है। ग्रुप सेकंड और ग्रुप 15, ग्रुप सेकंड का फर्स्ट ग्रुप से भी ज्यादा है और थर्ड ग्रुप से भी ज्यादा है, ग्रुप 15 का 14 से भी ज्यादा है और 16 से भी ज्यादा है, राइट। बाकी ट्रेंड्स तो हमें पता है, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज एंड डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, करेक्ट। और कल हमने कहा था ना एक एटॉमिक साइज में एक एक्सेप्शन, याद है कहां पर कहा था एक्सेप्शन? एल्युमिनियम गैलियम, एल्युमिनियम और गैलियम, बता उसमें किसका साइज छोटा था? गैलियम। तो गैलियम का फिर ज्यादा होगा ना आई एल्युमिनियम से, ये भी तो एक्सेप्शन है, राइट। बस इतना ही याद रखना आपको, जिसने इतना याद रखा, टेबल आपके सामने होना चाहिए हमेशा जब ये क्वेश्चन करेंगे, अलोंग द पीरियड
आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. बताओ सेकंड पीरियड को अगर हम देखें, बता लिथियम और बेरिलियम में ज्यादा आई किसका है? लिथियम. लिथियम सर, लिथियम में है. लिथियम किस कैसे अलोंग द पीरियड जा रहा है? बेरिलियम किस टेबल कंफिगरेशन में है? बेरिलियम का होगा. बेरिलियम का. अब बेरिलियम और बोरान में बता सबसे ज्यादा किसका? बोरान. याद रखना है ना, बेरिलियम है ना, एक्सेप्शनल है ना, मैंने एक्सेप्शन ग्रुप रखा है ना, तब भी बेरिलियम का है. बोरान और कार्बन में बताइए ज्यादा किसका? कार्बन. बोरान क्यों? यहाँ पर कार्बन का है. कार्बन और नाइट्रोजन में बताइए किसका ज्यादा? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन भी है और साइज भी है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बताइए किसका ज्यादा? नाइट्रोजन. गुड, नाइट्रोजन का. ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा? फ्लोरीन का. और फ्लोरीन और नियोन में ज्यादा? नियोन. अच्छा मुझे बताओ, मैं चार एलिमेंट्स बताता हूँ लास्ट में, इनका आपको बताना है जल्दी में. सिलिकन, जर्मेनियम, फॉस्फोरस और नियोन में सबसे ज्यादा किसका होगा? आई. नियोन. बहुत बढ़िया. तो ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में. बता बेटा किसी को कुछ पूछना है इससे? ठीक है, समझ आया ये? यस सर.